तो आपके अभी चार्जर में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? बहुत सारे लोग बोलते भैया हमारा चार्जर जल जाता है, खराब हो जाता है, प्रॉब्लम रहती है, चार्जर प्लग जल जाता है, चार्जर भी जल जाता है, उसमें समय बहुत लेते हैं मराने में। अच्छा, चार्जर भर गया तो 10-12 दिन लग जाता है, उसकी गाड़ी खड़ी रहती है हमारी। तो जैसे आपका चार्जर कभी खराब हुआ है तो आप कहाँ बनवाए उसको? हम सीधे एजेंसी पर लेके जाते थे, तो जैसे प्लग भर गया तो बोलते हैं 48 घंटे में बनाएंगे। अच्छा, बाकी वैसे और भी कमी उसके अंदर आ गई तो बोलते हैं रख दीजिए, देखते हैं। अच्छा, बताएंगे कल आपको फोन करके। अच्छा, बोले थे कल जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है, इसको क्लेम पर डालते हैं, बन जाएगा सर, आप कॉल करेंगे आपको। अच्छा, चार्जर की दिक्कत है? चार्जर के लिए तो बाहर मार्केट में काम होता है, आपको पता है क्या? चार्जर रिपेयरिंग होता है बहुत सारी जगह। अभी तो बाहर नहीं कराए क्योंकि गारंटी में है, बाहर दिखा देंगे तो। अच्छा, कंपनी में फिर बोलेंगे आपने गारंटी नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं मिलेगी आपको। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है, कार है, बाइक है, स्कूटर है, कोई भी गाड़ी है इलेक्ट्रिक, अगर उसका चार्जर मोटर कंट्रोलर आपका खराब हो जाता है तो भाई रिपेयरिंग करने के लिए जो भी आपको स्क्रीन पर फोन नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर संपर्क करें, अपना ई रिक्शा का चार्जर मोटर कंट्रोलर रिपेयरिंग। हेलो मित्रों, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी में। मित्रों, आज हमारे सामने में है महिंद्रा के ट्रियो ऑटो, और आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही ज्यादा सजी हुई है, इसमें जो लाइटिंग वगैरह है वो बहुत ज्यादा की गई है। तो भाई आज आपको इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इसमें जो सजावट की गई है ये कैसे की गई है, कितना खर्चा आया है, और ये भाई साहब जो चला रहे हैं अगर वो कितनी कमाई कर लेते हैं, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, आपको भाई पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ऊपर से भाई साहब ने सजा के रखा हुआ है एकदम दुल्हन की तरह, मैं आपको आगे पीछे अंदर सीट में सारी जगह एकदम दिखाऊंगा। क्योंकि भाई आप सबसे पहले देखेंगे इसका जो सामने का साइड है, देख सकते हैं महिंद्रा की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, वही पुरानी वाली गाड़ी है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। देख लो जो लाइटिंग लगी हुई है ये बहुत जबरदस्त है इस इलेक्ट्रिक ऑटो में, और इस गाड़ी को बहुत ज्यादा लोग चला रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। और ये भाई साहब एकदम पूरी तरह से सजा के रखा हुआ है, ये देखो अंदर जो लाइट है, आगे की ऊपर में एक ये टप लगा हुआ है, यहाँ पे आपको एरियल लगा हुआ दिख जाएगा जिसको आप एंटीना बोल सकते हैं। इसके बाद आप अंदर की तरह देखेंगे, मीटर का लाइट चालू कर दो, आप अंदर की तरफ देखेंगे तो इन्होंने एक मोबाइल का स्टैंड लगाया हुआ है, ये देख लो, जिससे कि मोबाइल आप रखेंगे तो आपका मोबाइल रखा रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसके बाद में भाई आपको ये डिजिटल मीटर मिल जाएगा, देख सकते हैं पार्क मिला, तो इसका डिजिटल मीटर मिलेगा आपको जिसपे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इंडिकेटर अभी चालू है, 97 पॉइंट अभी बैटरी चार्ज है, 36,117 किलोमीटर टोटल अभी चली हुई है गाड़ी। और अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, शीशा जिसे आप बोलते हैं, और ये बहुत बढ़िया है, आप बैठेंगे बैठे पैसेंजर का चेहरा भी देख सकते हैं और अपना खुद का देख सकते हैं। इसके बाद में आप अंदर देखेंगे तो ये एलईडी लाइट लगी हुई है पट्टी वाली, और पर्दे भी लगे हुए हैं, ये जो झालर लगी हुई है बहुत अच्छी लग रही है भाई, एकदम मुलायम है, मस्त देखने में बढ़िया लग रही है। इसके बाद देखेंगे तो पीछे के साइड में भी बहुत बढ़िया है, सीट इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बनवाया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो सीट की सेटिंग है किस प्रकार से है। ये जो सीट है पैसेंजर बैठने वाली, इस सीट को मॉडिफाई किया गया है, यानी कि ये जो आगे रहती है इसे एडजस्ट करके सेटिंग करके इसे पीछे की साइड में खिसकाया गया है, और सामने एक सीट बनाई गई है जिससे कि आप एक्स्ट्रा पैसेंजर जब आपके पास में रहते हैं तो आप उन्हें आराम से बैठा ले, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो सिस्टम है आप देखेंगे भाई, ये फोल्ड भी हो जाती है, फोल्ड करो एक बार, ये देखो भाई ये फोल्ड हो गई, और इसको फिर कैसे रखते होंगे फोल्ड करके? ऐसे ऐसे इसको रोकते रहते हैं, अच्छा इसको लटकाने का कुछ सिस्टम नहीं है? सिस्टम नहीं है, बनाना पड़ता है। अच्छा ऐसे रहते हैं, कुछ सामान वामान रखना है तो रख दिए, सामान वामान रख जाते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो भाई ये सीट इन्होंने बहुत तरीके से बनाया हुआ, बहुत माइंड दिमाग लगा के बनाई गई है, और पूरी गाड़ी में एकदम पेंटिंग और ये रेडियम जो बोलते हैं लगाया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑडी का लोगो दिख जाएगा, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ आपको मिलेगा जिसपे लिखा हुआ है प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए। बहुत बढ़िया शायरी लिखी हुई है। पीछे आप देखेंगे तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ये गजरे लगाए गए हैं। क्या बोलते भाई इसको? चोटी। चोटी, तो पीछे के साइड में भी चोटी लगी है और यहाँ भी इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। देखो मगर प्यार से जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई, मैं किसी और को क्यों देखूं, मेरी बाबू किसी और से कम है क्या। तो ये इन्होंने पूरा मॉडिफाई करके सजा के रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक ऑटो को, जो कि है महिंद्रा की ट्रियो ऑटो। भाई हम इनसे रिव्यू करेंगे या फिर कितने दिन से चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में कैसे है, कितने किलोमीटर चलती है, इनकम कितनी होती है। भाई जी इधर आओ, इस साइड में यहीं पे खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? रमन। हाँ रमन। रमन जी। अच्छा, तो कितने दिन हो गए ये गाड़ी को चलाते हुए? हमको हो गए एक साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। एक साल हो गए जी। इससे पहले रिक्शा चलाते थे। अच्छा रिक्शा जी, उससे तो बहुत अच्छा है गाड़ी। अच्छा, तो जैसे अभी इसको आप एक बार चार्ज करते हो कितना टाइम लग जाता है चार्ज करने का? 4 घंटे लग जाते हैं इसमें चार्जिंग में। चार्ज करने का 4 घंटा लग जाता है, और 4 घंटे में जब ये पूरी तरह से चार्ज होती है तो कितने किलोमीटर चल जाती है? 120 किलोमीटर चल जाती है। 120 किलोमीटर। अच्छा, तो अभी एक साल हो गया गाड़ी को? जी एक साल हो गया। एक साल से ज्यादा हो गया कि एक साल हो गया? ये एक साल से नहीं हुआ, एक साल कम ही है अभी। अभी एक साल होने वाला है। अच्छा, तो गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट आता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिक ऑटो बेकार है, खराब हो जाती है, बरसात में नहीं चलती है। नहीं, तो आपके साथ में कभी कुछ हुआ है? हमारे साथ में भी कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो पानी वानी में आपने चला के निकाला है? बहुत चला है गाड़ी, बहुत चला है पानी में, कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी है? 60 की स्पीड है। नॉर्मल में चलाएंगे 40 चलेगी। अच्छा, अगर फुल पे चलाएंगे तो 60 की चलेगी स्पीड। 60 में चलती है, मतलब 45-40 नॉर्मल मोड में स्पीड में चलाएंगे, 40-42 में चलेगी आपकी। और हाई स्पीड में? हाई स्पीड में चलाएंगे 60 की स्पीड चलेगी। 60 की स्पीड चलती है। जैसे एक बार फुल चार्ज करते हैं तो कितने किलोमीटर चल जाती है? 120 किलोमीटर चल जाती है। 120 किलोमीटर। कंपनी तो 150 किलोमीटर बोलती है। वो 150 वाली दूसरी है। अच्छा, वो दूसरी है, दूसरी वाली है, ये जो अभी नई आई है वो वाली चलती है, ये पुरानी वाली है। ये पुरानी गाड़ी है। तो जैसे एक बार इसको आप चला के पूरा दिन चलाते हैं तो कितनी कमाई कितनी हो जाती है? 1,000-1,200 कमाई हो जाती है। 1,000-1,200 रुपए। गाड़ी आपने नगद में लिया है कि लोन करवाया? नहीं, फाइनेंस कराया। फाइनेंस करवाया। तो कितने में पड़ गई फाइनेंस में? 4,20,000 की पड़ गई। 4,20,000 फाइनेंस में। अगर नगद में लेते तो कितनी कीमत? 3,20,000 की पड़ गई। यानी 1,00,000 रुपए ब्याज लग गया। कितने साल का फाइनेंस हुआ है? 3 साल का कराए। 3 साल का है। अच्छा, गाड़ी में वारंटी कितने साल की मिली है? वारंटी मिली हमको 3 साल, 21 साल की टायर वायर की मिली है। अच्छा, 3 साल की बैटरी की मिली है। अच्छा, बाकी क्लेम का 1 साल का मिला है। अच्छा, बाकी और वायरिंग का भी 3 साल का है। और चार्जर की? चार्जर के भी 3 साल की गारंटी लिए हैं। 3 साल की चार्जर की भी है। तो आपके अभी चार्जर में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारा चार्जर जल जाता है, खराब हो जाता है। रहती है वो चार्जर, प्लग जल जाता है, चार्जर भी जल जाता है, उसमें समय बहुत लेते हैं मराने में। अच्छा, चार्जर भर गया तो 10-12 दिन लग जाता है, उसकी गाड़ी खड़ी रहती है हमारी। तो जैसे आपका चार्जर कभी खराब हुआ है तो आप कहाँ बनवाए उसको? हम सीधे एजेंसी पर लेके जाते थे तो जैसे प्लग भर गया तो बोलते हैं 48 घंटे में बनाएंगे। अच्छा, बाकी वैसे और भी कमी उसके अंदर आ गई तो बोलते हैं रख दीजिए, देखते हैं। अच्छा, बताएंगे कल आपको फोन करके। अच्छा, बोले थे कल जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है, इसको क्लेम पर डालते हैं, बन जाएगा, आप कॉल करेंगे आपको। अच्छा, चार्जर की दिक्कत है? चार्जर के लिए। तो बाहर मार्केट में काम होता है आपको पता है क्या? चार्जर रिपेयरिंग होता है बहुत सारी जगह। अभी तो बाहर नहीं कराया क्योंकि गारंटी में है, तो बाहर दिखा देंगे तो। अच्छा, कंपनी में फिर बोलेंगे आपने गारंटी नहीं मिलेगी। गारंटी नहीं मिलेगी आपको। जैसे आप गाड़ी को चलाते हैं तो थकावट वगैरह लगती है क्या? नहीं, थकावट इसमें नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं आती है। सवारी बैठते तो क्या बोलती है? मजा आता सवारी? बढ़िया चलती है गाड़ी, बढ़िया चलती है। तो गाड़ी से आप खुश है? जी बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश है, अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल अच्छा। जैसे अगर आपको अभी और कोई गाड़ी लेना रहे, अभी मार्केट में बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है, तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे? अभी तो जो लेना तो यही लेंगे गाड़ी, ज्यादा महिंद्रा ही लेंगे। यही गाड़ी हमको अच्छी, इसमें ज्यादा सवारी बैठा सकते हैं आप। बजाज गाड़ी इसमें 2-3 सवारी बैठा सकते हैं। तो आप इसमें अभी कितनी सवारी बैठा लेते हैं? अभी इसमें 3-5-6 सवारी बैठा लेते हैं। 5-6 सवारी आराम से बैठे, कोई भी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अभी तक जो भी मार्केट में चल रही है उनमें ये सबसे बड़ी गाड़ी है, सबसे बड़ी साइज इसका सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ी पलटते हुए बैलेंस इसका अच्छा, अच्छा रहता बैलेंस बना रहता है, यानी चौड़ाई ज्यादा, चौड़ाई ज्यादा इसकी गाड़ी से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो मित्रों ये इलेक्ट्रिक ऑटो लगभग 1 साल होने जा रही है लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है,
है तो पुरानी वाली मॉडल लेकिन बहुत बढ़िया है, जो इसका लुक डिजाइन है काफी शानदार है, भाई साहब ने बनवा के मस्त रखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में जो भी जानकारी बताई गई आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो भाई मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।